हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अन अकेडमी यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अखिलेश है और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी साइंस टेक के लिए मिलते हैं। 2 बजे का समय है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ने का समय है। मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही हो, आवाज़ आप तक आ रही हो ठीक ठीक वैसे ही जैसे आप अप्रिशिएट करते हैं, तो एक बार मुझे सूचित करें ताकि हम लोग आगे चलें। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जोड़िए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लग रहा है पूरी तरह से आप लोग प्रीलिम्स के मोड पे आ गए हैं, लेकिन आज की क्लास बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे, प्यारे बच्चों, वो कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में थी, और यहाँ से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको बन के आता है। तो आइए फटाफट, आज हम लोग, आज की क्लास इम्पॉर्टेंट क्लास है, शुरू करते हैं। रेड डेटा बुक के बारे में समझेंगे, रेड डेटा बुक में जो जो कैटेगरी दी गई हैं उनके बारे में समझेंगे, इत्यादि आज पूरी की जाएगी, कोशिश करूंगा मैं। तो आप सबको पता है पूरी लक्ष्य की टीम प्लस प्लेटफॉर्म पे आती है। मेरा नाम आपको पता है बच्चों, अखिलेश नाम है मेरा। 6 साल का एक्सपीरियंस है साइंस टेक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट सीखने सिखाने का, आंसर राइटिंग का एक्सपर्ट हूँ, और सब कुछ लेकर के मैं प्लस प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज़ और डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में इस तरह से स्ट्रक्चर्ड कोर्स कवरेज मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लाइव क्लास के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, और जिस तरह से यहाँ आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं वहाँ भी इसी तरह के लेशन आपके बीच में रखे जाते हैं, बट द क्लासेस आर इंटरेक्टिव। जो भी आपको लगता है पूछना है आप पूछते हैं, वहाँ चूँकि कम संख्या होती है, एक क्लासरूम जैसा माहौल होता है, तो आपसे सवाल और बाकी चीज़ें होती रहती हैं, तो उससे होता क्या है कि आप बेहतर तैयारी कर पाते हो। दूसरी चीज़, आपको PDF के रूप में वहाँ नोट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते भी हैं और टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता है। टेस्ट सीरीज़ और क्विज़र के रूप में आपको हर 4th-5th क्लास के बाद हम टेस्ट के रूप में आपसे वो सारी बातें पूछते हैं जो अभी आपने पढ़ी हैं। आप उन सवालों का जवाब दे लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे पाते हैं तो आप ही सबके लिए हर 4th-4th every 4th class इज डाउट क्लियरिंग सेशन। जो कुछ भी आपने नहीं समझा उस पूरे चैप्टर में अथवा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, उसको आप जो है गुड नून गुड आफ्टरनून फटाफट जोड़िए अपने आप को, उसे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों, ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप अगर जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, और कैसे करना है, क्या करना है, आप सबको पता है। प्लस से इसको स्टोर डाउनलोड करना है, उसके बाद ये सब्सक्रिप्शंस ले लेने हैं। इसमें 12 महीने और 24 महीने के जो सब्सक्रिप्शन हैं आपके लिए बेहतर हैं। रीज़न बीइंग, आपका एग्ज़ाम कुछ इस तरह का है कि जिसमें आपको 1 साल से 2 साल का समय लगता है, सतत प्रयास लगता है बच्चों, डिसिप्लिन्ड एफर्ट लगता है, तब जा कर के UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक हो पाते हैं। तो इसके लिए छोटे रिचार्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने। और रही बात, अगर आप ये चाहते हैं कि हम टेस्ट कर लें, टेस्टिंग के बाद ज्वाइन करें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी, और मुझे ये बताते हुए भी काफ़ी खुशी हो रही है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर जुड़े हुए हैं जो UPSC की तैयारी के दैदीप्यमान सितारे हैं। उन्हीं से पढ़ने के लिए आप जब दिल्ली आते थे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपये आप पे करते थे ऑफलाइन कोचिंग में, और आप खुशी खुशी पढ़ते थे। वो सारे टीचर आपको अवेलेबल हैं, और ये अच्छी बात है आपकी प्रिपरेशन के लिए भी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। तो अनअकैडमी वेल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसलिए टेस्ट करने के चक्कर में मत फंसिएगा। बेहतर होगा 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप। अगर आपको 2021 में देना है, आपने फाइनल कर लिया है, सोच लिया है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, छोटे हैं, और आपने अभी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, सेकंड ईयर में हैं, तो आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन को लेकर के आ सकते हैं। आपके पास समय भी है, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपकी लर्निंग प्रोसेस भी पूरी हो जाएगी बच्चों। तो फीस की बात कर लेते हैं, फीस नॉमिनल है। आप अगर
12 महीने के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं और पर मंथ अगर देखते हैं तो 3,667 रुपये, जो कि आपकी जेब खर्च से भी कम है बच्चों। और 24 महीने की फ़ीस 2,667 रुपये आपको पड़ेगी। और इसमें अगर आपने मेरा ये प्रोमो कोड यूज़ कर लिया जो कि है ACS Live, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इफ़ेक्टिव फ़ीस हो जाएगी 39,600 और 57,600 रुपये। 39,600 और 57,600 फीस से आप जो है एक साल और दो साल की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के वीडियो देखने के लिए। अनअकैडमी का एक और प्रोडक्ट है बच्चों आइकॉनिक, और आइकॉनिक में वो सारी खूबियां हैं जो कि आप प्लस में लैग करते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच अलॉट होंगे, जो कोई भी टीचर हो सकते हैं, जो आपके मेंटर हो सकते हैं, और वो आपको आपकी समस्याओं के बीच में हमेशा दीवार बन के खड़े रहेंगे ताकि आपकी समस्याएं आप तक पहुँचे तो समाधान बन के पहुँचें। तो पर्सनल कोच आपको मिलेंगे, डेली क्वेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर होंगे, स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लानर बनाए जाएंगे एक्सपर्ट के द्वारा, जिससे आप अपनी तैयारी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर सको, और गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग्स होंगी जिससे आप विद इन टाइम वो सारे गोल अचीव करो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। पर्सनलाइज फीडबैक की बात जहाँ तक करें बच्चों, तो याद रखना UPSC की प्रिपरेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपको आपने जो कुछ आंसर लिखा है वो कितना सही है, उस पर कितने नंबर मिलेंगे, UPSC की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, इत्यादि इत्यादि की चर्चा आप करना चाहते हैं किसी से, लेकिन आपको कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं मिलता, या जो भी ऑफलाइन में टीचर्स होते हैं वो इतने अवेलेबल नहीं होते कि आप उनसे पूछ सकें। तो आपको आइकॉनिक में इस तरह के मेंटर्स रहेंगे जो आपकी कॉपी इवेलुएट करेंगे, आपके आंसर्स को बताएंगे और आपकी कमियों को भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, सिर्फ कमियां ही नहीं बताई जाएंगी, आपकी वो क्षमताएं भी बताई जाएंगी जिससे शायद आप भी अनभिज्ञ हो। तो ये आइकॉनिक का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए पर्टिकुलर UPSC के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको हमेशा एक असिस्टेंट के रूप में आपके गुरु आपके साथ हैं, जो आपके किसी भी क्वेरी की कंसेप्चुअल क्वेरी हो या फिर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो, ऐसे राइटिंग करने में दिक्कत हो, इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बात करना, क्या पहनना, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न होते हैं बच्चों जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए होता है और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो आइकॉनिक विल हेल्प यू इन दैट लाइन ऑल्सो। और इसकी फीस की बात कर ली जाए तो 24 महीने की फ़ीस 99,000 रुपये है। यहाँ भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं ACS Live, तो आपको प्यारे बच्चों ACS Live यूज़ करने पे 10% का रिडक्शन मिलेगा, फीस इफ़ेक्टिव हो जाएगी 89,100 रुपये। 89,100 रुपये में आपको दो साल की आइकॉनिक मिल रही है बेहतर तैयारी के लिए, इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी की मेरी क्लास प्लस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, आप सभी आमंत्रित हैं, ACS Live मेरा प्रोमो कोड है। हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे और बात चल रही थी कंजर्वेशन की, पिछली क्लास में मैंने आपको इंडिया स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया में कितने बायो जियोग्राफिक जोन है, कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की जो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग, चूँकि प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, तो आज हम लोग जरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ बात पढ़ लेते हैं, जहाँ से कम आपको एक प्रश्न 4 अक्टूबर को मिलने वाला है। तो आइए बच्चों, हम लोग ज़रा पढ़ते हैं आज रेड डेटा बुक के बारे में, और रेड डेटा बुक से संबंधित जो एक साल में स्पीसीज़ हैं, चूँकि रेड डेटा बुक में लगभग 11,000 से अधिक स्पीसीज़ हैं, सबका इन्वेंट्री याद करना, सबके डिटेल याद करना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन UPSC पिछले कई सालों से जो उसका ट्रेंड है वो यही पूछती आई है, जो भी एक साल के अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं जो प्रोटेक्टेड हैं या इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, या एक्सटिंक्ट हो गई हैं, या समथिंग लाइक दैट, उससे संबंधित कोई भी न्यूज़ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका स्टेटस, IUCN स्टेटस उसका क्या है, IUCN स्टेटस के बाद बच्चों उसके हैबिटेट के बारे में आपसे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपसे प्रश्न हो सकते हैं। साथ ही साथ
जब हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं तो वो किस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अथवा नेशनल पार्क में अथवा बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्ट किया गया है, तो यहाँ तक की जर्नी हमें करनी है और हम लोग चलिए आज देखते हैं। तो पहले इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग जानें कि रेड डेटा बुक क्या है। प्यारे बच्चों, रेड डेटा बुक एक डिटेल्ड किताब बनाई गई, किताब का इन द सेंस ये बाइंडिंग बुक नहीं है, इसमें लीफलेट्स होते हैं, इसमें पेजेस होते हैं और वो पेजेस रेड नहीं होते, याद रखिएगा, वो पेजेस या तो पिंक होते हैं या तो ग्रीन होते हैं, ठीक है। रेड डेटा बुक के जो पेज हैं वो रेड नहीं होते, या तो वो गुलाबी होंगे, पिंक या फिर ग्रीन, ठीक है बच्चों। ये किताब सबसे पहले 1963 में पहला एडिशन इसका आया था बच्चों, फर्स्ट एडिशन 1963 में। किसने लाया? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नाम लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्यारे बच्चों, बायोडाइवर्सिटी का समाप्त होना 1992 से नहीं है, बहुत पहले से चला आया और कई स्तरों पे कंजर्वेशन की बात, उनके संरक्षण की बात चल रही थी, जिसके तहत IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बनाया गया था। और 1963 में ये पहला रेड डेटा बुक का एडिशन देता है। इस रेड डेटा बुक में खास बात ये होती है बच्चों, इनमें वो स्पीसीज, प्रजातियां मेंशन होती हैं जिनमें, जिस पे कोई ना कोई थ्रेट हो, संकट हो, तो संकट ग्रस्त प्रजातियों की रूपरेखा इसमें दी गई होती है। डिटेल, रूपरेखा का मतलब आप डिटेल से मानिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी इतनी नहीं है कि मैं वही शब्द बता सकूं जो इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो थ्रेट मतलब संकटग्रस्त प्रजातियों की डिटेल्स इस रेड डेटा बुक में दी गई है। इसलिए दी गई है ताकि हम उस प्रजाति के बारे में जानें, अवेयर हों, उसके आवास के बारे में जानकारी हो, उसका आवास क्या है उसके बारे में जानें, और वो संकटग्रस्त क्यों है इस बात को पहचाने, और उस संकट को अगर हम दूर कर सकते हो तो दूर कर सके, ठीक है बच्चों। तो कोई भी स्पीसीज उसकी डिटेल्स जाने, वो रिया कह रही है थोड़ा फास्ट, रिया ठीक है आप आराम से चलिए, बाकी लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो 2G वाला ठीक है स्पीड, 2G और 3G के बीच में ऐसे ही चलेंगे हम, बाकी जिसको 5G चलना हो वो चलें, ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। 1963 फर्स्ट एडिशन, प्रजातियों को जाने, आवास के बारे में जाने, संकटग्रस्त क्यों हैं ये समझें, क्योंकि आपको सिर्फ टिक नहीं मारना है, ये वन डे का एग्ज़ाम नहीं है, आपको लिखना है, और लिखने के लिए आपको जानना होगा पूरे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में, इसका ध्यान रखें, ठीक है। रिया गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश का प्रणाम, स्वीकार हुआ आपका प्रणाम भाई, ठीक है। जाने, आवास को जाने, संकट प्रजातियों को जाने, इसके लिए रेड डेटा बुक में उनके डिटेल्स रखे गए ताकि जो भी पर्टर्बेशंस हैं, जो भी उनके ऊपर संकट है उसे जान करके उसको कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि उनके विलुप्तीकरण, एक्सटिंक्शन को रोका जा सके, सो दैट वी कैन चेक देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है।
उनके विलुप्तिकरण को रोका जा सके। तो अगर हम रेड डेटा बुक को आपको डिफाइन करने को कहा जाए या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लाल किताब IUCN द्वारा प्रकाशित वह रिकॉर्ड है जिसमें प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, जिनके ऊपर संकट है, जिनके आवास पे संकट है अथवा जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं। यह किताब, इसका उद्देश्य क्या होगा? इस किताब का उद्देश्य है कि हम ऐसी प्रजातियों को संकट से बाहर निकालें, ठीक है। दूसरी बात, आपको इनके जो पेजेस हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहीं कहीं होता है, दिमाग में होता है लाल किताब लाल रंग की होती है, ऐसे भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, तो आप ध्यान दें लाल किताब लाल रंग की नहीं होती। बट हाँ, इसमें दो तरह के पेज होते हैं, एक होता है पिंक पेज, और इस पिंक पेज पे वो प्रजातियां वर्णित होती हैं जो कि संकट में है, उनका वर्णन पिंक पेज में होगा। और दूसरा है ग्रीन पेज, इनमें वो प्रजातियां वर्णित होती हैं बच्चों जो संकट से बाहर आ गई, जो संकट से बाहर आ गई। ध्यान दीजिएगा, दो पेज हैं, दो तरह के पेज हैं, टू टाइप्स ऑफ पेजेस। और दुर्भाग्य से जो ग्रीन पेज की संख्या कम है और पिंक पेज की संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। वाई? बिकॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण, ठीक है। अच्छा, IUCN ने कैटेगरी बनाई है किस कैटेगरी में कौन कौन से जानवर रखे जाएंगे और उस पर्टिकुलर वर्ग के बारे में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन कौन सी शर्तें हैं कि उस वर्ग में उस जीव जंतु को रखा जाएगा, इसकी कैटेगरी है। लगभग 11,000 से ऊपर प्रजातियां, 11,046 प्रजातियां रेड डेटा बुक में मेंशन है, जस्ट इमेजिन, जो कि किसी न किसी रूप से थ्रेट में हैं अथवा थोड़ी उसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो थ्रेट से बाहर भी आ गई हैं, लेकिन ज़्यादातर थ्रेट में हैं और इसमें नाम जुड़ते जा रहे हैं सतत, ठीक है बच्चों। 11,046, तो इतने लोगों को तो याद करना मुश्किल है। अच्छा, इसमें कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन, इनका जो वर्गीकरण है उसको जरा देख लेते हैं। वर्गीकरण में कुछ वर्ग बनाए गए हैं। पहला जो वर्ग है वो है बच्चों एक्सटिंक्ट, विलुप्त। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, आपको न्यूज़पेपर में भी हिंदी में जल्दी सही समाचार नहीं मिलते, न्यूज़ नहीं मिलते, आप इंग्लिश वाला जो टर्म है उसको ध्यान रखिएगा। एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड अनुवादित है कि जंगल में वो विलुप्त हो गए हों, लेकिन आप अगर ये याद रखेंगे और पेपर में भी देखेंगे तो पेपर में भी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसको क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो इसलिए एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वो टैक्सा का मतलब वो जंतु we must say that we should conserve our biodiversity, it is required, because you didn't have seen my last videos, that's why you have raised this question, otherwise you don't, because everything has been spoken about why this biodiversity is going to be very important for us. So try to see previous videos, you will decipher what exactly the meaning of biodiversity and why should it be conserved like this. Are you getting? So try to see last videos. ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं। Extinct का मतलब होता है वो टैक्सा, कई मतलब historically उन्हें देखा ही नहीं गया है, वो समाप्त हो चुके हैं काफ़ी समय से, एक बहुत बड़े समय से वो समाप्त हो चुके हैं, वो किसी भी इन्वेंट्री किसी भी सर्वे में
नहीं दिखाई पड़े, इसलिए इनको एक्सटिंक्ट मान लिया गया। एक्सटिंक्ट का मतलब पूरी तरह से वो समाप्त हो गए। कोई डाउट इसके बारे में नहीं रह गया है कि वो कहीं कैप्टिविटी में है, कहीं जू में है, अथवा कहीं किसी बॉटनिकल गार्डन में पड़े हुए हैं। नहीं, वो इस पृथ्वी से वैनिश हो गए हैं, समाप्त हो गए। बच्चों, ये कितने दुख की बात है कि कोई टैक्सा जो है समाप्त हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो पहला वर्गीकरण है एक्सटिंक्ट, ठीक है बच्चों। दूसरा वर्गीकरण है, सेकेंड वन इज एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड। एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड का मतलब होता है जंगल में जो इनका आवास है अपने आवास, यानी जो इनका प्राकृतिक वास है, वहां से समाप्त हो गए हैं। तथा इनके पाए जाने की संभावना जू, चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन इत्यादि में है। कहने का मतलब है बच्चों, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उसको इतना छिन्न भिन्न किया गया कि वो वहाँ से ख़त्म हो गए, और इनकी संभावना अब अगर है भी तो ये जो मैन मेड हैबिटेट हैं जहाँ इन्हें कंजर्व किया गया है वहाँ पाए जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड हो चुके हैं। अपने जो ओरिजिनल इनका जो नेचुरल आवास है वहाँ से ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। किसी भी सर्वे में, किसी भी एग्जॉस्टिव इन्वेंट्री में इनके बारे में जंगल में कोई जानकारी नहीं मिलती जहाँ इनका आवास हुआ करता था। हाँ, ये किसी जू, बॉटनिकल गार्डन, किसी कैप्टिविटी में पाए जा सकते हैं। तो ये होते हैं एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड। तीसरी जो कैटेगरी है बच्चों वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसमें तीन बातों को देखना होता है बच्चों। एक तो होता है पहला क्राइटेरिया होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जनसंख्या में कमी किस प्रकार की है। पहला क्राइटेरिया देखते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन तीनों का तीन क्राइटेरिया है बच्चों। कि पहले देखते हैं कि इनके जनसंख्या में जो कमी हुई है वो किस प्रकार की है, इसमें कैटेगरी बनी हुई है। दूसरी बात देखी जाती है कि इनकी जनसंख्या की साइज क्या है, जनसंख्या कितनी है। मतलब वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या जो बची हुई है वो कितनी है। और तीसरी बात देखी जाती है बच्चों, थर्ड देखी जाती है कि अगले कितने सालों में इनके समस्त नाश की संभावना है, यानी एक्सटिंक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है। समझ रहे हैं, इनके विलुप्त होने की संभावना। इन तीनों को समझ लीजिएगा, तीनों अगर आप समझ ले गए और इस तीनों में अगर किसी एक क्राइटेरिया को भी वो पूरा करता है स्पीसीज, अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिसको मैं अभी लिखा दूंगा, एक क्राइटेरिया को भी पूरा करता है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड अथवा वल्नरेबल की कैटेगरी में आएगा। तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई है,
जनसंख्या कितनी बची हुई है और जिस रेट से इनकी जनसंख्या में कमी हो रही है, आने वाले कितने सालों में ये विलुप्त हो जाएंगे, ये तीन क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है बच्चों हर क्लासिफिकेशन के लिए। आने वाला जो तीन क्लासिफिकेशन है उसमें जनसंख्या में कितनी तेजी से कमी हुई है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान में कितनी है और जिस तरह से ये कमी हो रही है उनके विलुप्त होने में अभी कितना समय लगेगा, उसके आधार पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल तीनों बताए जाते हैं। तो आइए पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात कर लेते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, प्यारे बच्चों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो स्पीसीज हैं जिनकी जनसंख्या में तेजी से कमी हुई है, रिडक्शन इन पॉपुलेशन, रिडक्शन इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में कमी जो हुई है वो क्या है जरा देखिएगा, रिडक्शन इन पॉपुलेशन मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन reduced in 10 years, यानी कि जनसंख्या में कमी, पहला क्राइटेरिया है जनसंख्या में कमी, ऐसे ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या में कमी 90% से अधिक हुई हो 10 साल में। सही लिख लीजिएगा वाक्य, नोट बनाते हुए ऐसे लिखते जाएं, जनसंख्या में कमी 90% से अधिक 10 साल में अगर ऐसा है तो उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। दूसरी बात बच्चों, इनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, यदि जनसंख्या इनकी 50 से कम हो जाए, 50 से कम, और इस 50 इंडिविजुअल में बच्चे केवल एडल्ट गिने जाते हैं, छोटे बच्चों को नहीं गिना जाता, ओनली एडल्ट ऑब्लिक मैच्योर, इनकी संख्या अगर इनके पॉपुलेशन की साइज 50 इंडिविजुअल से कम हो जाए और वो इंडिविजुअल में केवल मैच्योर आते हैं, नो चाइल्ड या सैम्पलिंग, अगर प्लांट की बात है तो सैम्पलिंग, छोटे प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं पे आपको यूपीएससी अटका सकता है, पूछ देगा कि जिसकी जनसंख्या में 50 छोटे और बड़े मिला करके हों, यहीं आप गलत हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो जनसंख्या कितनी हो, 50 से कम हो, और किनकी जनसंख्या, उस जाति के जो मैच्योर अथवा जो वयस्क हैं उनकी जनसंख्या 50 से कम हो, और बच्चे अगर हैं ज़्यादा तो कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं गिना जाता, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो जनसंख्या बच्चे पैदा कर सकती है वही जनसंख्या बढ़ाएगी, वो कितनी है, अगर वो 50 से कम है तो उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड मान लिया जाता है। तीसरा क्राइटेरिया है बच्चों, मतलब तीसरी क्राइटेरिया पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीसीज होती हैं जिसमें ये माना जाता है कि अगले 10 साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ये पता किया गया कि अगले 10 साल में, 10 ईयर्स में, ऐसे प्रजातियों की 50% आबादी समाप्त हो जाएगी। समाप्त का मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी इनका स्पीड ऑफ एक्सटिंक्शन है कि अगले 10 साल में 50% एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्या क्या मैंने बताया कि अगर 90% से अधिक आबादी पिछले 10 साल में ख़त्म हुई हो और अगले 10 सालों में अगली 50% आबादी ख़त्म होने की संभावना हो और इनके जो सदस्यों की संख्या लेस देन 50 हो, ये सारे अथवा इनमें से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो उसको कहेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है बच्चों,
इसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग एंडेंजर्ड की। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीसीज में जो पॉपुलेशन साइज है बच्चों, पहले पॉपुलेशन साइज ही लिख लेते हैं, जनसंख्या की जो संख्या है वो है इनके नंबर 250 से कम होने पर, 250 से कम होने पर, 250 से कम होने पर अगर इंडिविजुअल की संख्या कम होती है, और उसमें कौन से इंडिविजुअल, एडल्ट मैच्योर, उनकी संख्या कम होती है तो द स्पीसीज विल बी कंसीडर्ड एज एंडेंजर्ड। और दूसरी बात है बच्चों कि अगर इनके पॉपुलेशन में जो रिडक्शन हुआ है, दैट रिडक्शन अगर 70% ऑफ पॉपुलेशन का रिडक्शन 10 ईयर्स में हुआ है, वहाँ कितना था, वहाँ था मोर देन 50% जो हुआ है रिडक्शन 10 साल में हो, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी, और यहाँ 70% रिडक्शन हुआ है 10 सालों में तो एंडेंजर्ड कहा जाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया है बच्चों कि अगर 20% ऑफ पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाए 20 ईयर्स में, आने वाले 20 सालों में 20% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उनको हम एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। नोट इट डाउन, क्लास का एक्सप्लेनेशन धीमा है, नहीं समझेंगे तो फिर यहीं पे आप नेगेटिव भी करेंगे, तो आप, मैं समझ गया आप थोड़ा तेज पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस क्लास में ऐसे ही पढ़ाई जाएगी बच्चों। तो गुप्ता जी देख लीजिए आप, इट इज़ अप टू यू, बाकी लोग नोट्स बना रहे हैं। सो एंडेंजर्ड स्पीसीज, पहला पॉपुलेशन साइज लेस देन 50 हो, दूसरा 70% उनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में रिड्यूस हुई हो बाई वन आर अनदर रीजन, उसमें हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, सब कुछ हो सकता है, और आने वाले 20 सालों में जो 20% उनकी पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाने वाली हो, दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंड द थर्ड वन इज वल्नरेबल, अनवल्नरेबल के ये तीनों कैटेगरी क्या हैं बच्चों, ये देख लीजिएगा कि 50% ऑफ पॉपुलेशन रिडक्शन, 50% पॉपुलेशन रिडक्शन हो 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में 50% पॉपुलेशन कम हुई हो उनकी, ठीक है बेटे, पहला। दूसरा, इनके जो पॉपुलेशन साइज है, इनके जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन साइज में 10,000, ध्यान दीजिएगा, 10,000 इंडिविजुअल हो, 10,000 इंडिविजुअल हो, कौन से, एडल्ट इंडिविजुअल। और तीसरी बात कि आने वाले समय में इनका एक्सटिंक्शन रेट क्या होगा, तो इनका एक्सटिंक्शन रेट है कि इनके 10% पॉपुलेशन अगले 100 सालों में, 100 ईयर्स में समाप्त हो जाएगी। सो एक्सटिंक्शन रेट इज टू लो, यहाँ पे लो है, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट वल्नरेबल, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, तीनों के अलग अलग एक्सप्लेनेशन ऑन द वेरी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिडक्शन, पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या की जो, जनसंख्या का जो आकार है, और तीसरा, पहला जो है वो रिडक्शन रेट क्या है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वल्नरेबल हो गए। इसके बाद लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न ऐसी स्पीसीज होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं होता और उनकी संख्या भी पर्याप्त होती है, एक्सटिंक्शन का कोई उनको डर नहीं होता, ऐसी जो स्पीसीज़ हैं वो लिस्ट कंसर्न होती हैं। और डाटा डेफिशिएंट वो स्पीसीज़ होती हैं जिसके बारे में कोई सैम्पलिंग नहीं हुई होती, कोई सर्वे नहीं हुआ होता, ऐसा हो सकता है कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, लेकिन डाटा डेफिशिएंट का मतलब उनके बारे में कोई इन्वेंट्रीज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। सो दोज आर कॉल्ड एज डाटा डेफिशिएंट। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आज जो क्लास है उसको हम लोग देखते हैं, आपकी जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि व्हाट आर द
स्पीसीज, इम्पॉर्टेंट स्पीसीज रिसेंटली इन न्यूज़, अभी जो एक साल में जो जो स्पीसीज़ न्यूज़ में रही हैं उसको कवर करने का प्रयास किया है बच्चों। तो चलिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आपको 4 अक्टूबर को क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ इन न्यूज़ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज स्पीसीज़। और जो सामने आपके वीडियो में देख रहे हैं इसका नाम है पेंगोलिन। डू रिमेम्बर हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, इस जानवर के का नाम पढ़ना है, जानवर के नाम के बारे में जानना है, नाम के बाद इसकी जो IUCN स्टेटस है, IUCN इसे क्या कहता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहता है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड, क्या इसको स्टेटस दिया गया है इत्यादि की चर्चा करते हुए, इसके बारे में जो कंजर्वेशन और जो इसकी स्पेशलिटी है उसके बारे में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये 4-5 पॉइंट हमें देखते हुए चलना है, हम आने वाले समय में हम लोग इन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है पेंगोलिन, इसका नाम है बच्चों पेंगोलिन, नोट करते चलिए पेंगोलिन, हिंदी में भी आप इसको पेंगोलिन ही कहेंगे। पेंगोलिन की खास बात ये है, इनके ऊपर ये स्केल्स पाए जाते हैं, आप देख रही हैं स्केल्स, ये स्केल्स किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं, केराटिन एक प्रोटीन है बच्चों, ये स्केल्स बने होते हैं। पेंगोलिन वनली स्केली मैमल है, ये मैमल है याद रखिएगा, ये स्तनधारी है, स्केली मैमल, वनली स्केली मैमल, केवल ऐसा स्केली मैमल पेंगोलिन ही है, ठीक है बच्चों। और यही स्केल इसके लिए, जो इसके ऊपर कवच हैं इसके लिए क्या हैं, अभिशाप बन गए हैं, क्योंकि ये जो स्केल्स हैं इनमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, औषधीय गुण हैं, मेडिसिन के रूप में इसके स्केल्स मुख्यतः चाइना में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका जो मांस होता है वो भी प्रोटीन रिच होता है, तो इस कारण से पेंगोलिन को सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलीगल ट्रेड जो है इनका होता है। तो दे आर वेरी रिच, इनका जो ये स्केल है मेडिसिनल प्रॉपर्टी है बच्चों, खूब सारे मेडिसिन्स बनते हैं इनसे चाइना में, और इनके मांस को खाया जाता है, जिसके कारण इनका इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी इलीगल ट्रेड का कारण आप समझ गए होंगे, इनका मांस खाना, इनके मांस खाया जाता है और इसके स्केल्स को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको मोस्ट इलीगली ट्रेडेड मैमल माना जाता है, इलीगली ट्रेडेड मैमल, सबसे ज़्यादा ऐसा मैमल जिसका व्यापार, इलीगल व्यापार ज़्यादा होता है, और यही इसके खतरे का कारण, इसके संकट का कारण है। ये बात समझ में आ गई, संकट का कारण क्या है, इलीगल ट्रेड क्यों, वो भी मैंने बता दिया, थ्रेट हंटिंग और पोचिंग। और याद रखिएगा, ज़्यादातर जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, सबसे बड़ा कारण जंतुओं में आप हंटिंग पोचिंग देखेंगे, हैबिटेट लॉस देखेंगे, तो बड़े ही कॉमन कारण हैं जिसको हम लोग हर बार नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ किसी जंतु में अगर बहुत प्रमुख कारण कोई होगा जो उसका स्पेसिफिक होगा उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो हंटिंग पोचिंग, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, इलीगल ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन, सबके लिए कॉमन है, जो भी जातियां प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं, ठीक है। दो तरह के पेंगोलिन पाए जाते हैं बच्चों, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है। अब कहां पाए जाते हैं आप सब समझ रहे होंगे, इंडियन पेंगोलिन जो एरिड रीजन है भारत का, ठीक है, एरिड रीजन ऑफ इंडिया, और चाइना में भी ये रीजन है, वहां पे ये पाए जाते हैं बच्चों। इंडियन पेंगोलिन को IUCN जो कैटेगरी दी गई है इंडेंजर्ड है, हमारा जो पेंगोलिन है इंडियन पेंगोलिन वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है बच्चों, याद रखिएगा इंडेंजर्ड, याद कर लीजिए। और जो चाइनीज पेंगोलिन है, चाइनीज पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन
क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों क्रिटिकली एंडेंजर्ड चाइना में है। अब चाइना वाले इतना ज़्यादा अगर उसको खाएंगे तो बेचारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे कि नहीं। तो यहाँ से आपको यूपीएससी अटका सकता है, चाइनीज पेंगोलिन आर एंडेंजर्ड, इंडियन पेंगोलिन आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यहीं पे आपको यूपीएससी क्या करता है, लपेट लेता है। अगर कोई इंडेंजर्ड है तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल देगा, तो ध्यान आपको रखना है बहुत ध्यान से कि ये एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया में ये एंडेंजर्ड है, चाइना में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो बहुत बारीक आपको ध्यान रखना होगा। अगर पेंगोलिन पे क्वेश्चन आता है और आप गलत करके आओगे तो अब आप अपराध करोगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड चाइना में है, एंडेंजर्ड इंडिया में है, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। ये तो रही बात पेंगोलिन की। पेंगोलिन के बाद जो नेक्स्ट मैमल है बच्चों, ये है चीता। चीता आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी स्पेशलिटी बताने की जरूरत नहीं कि भाई ये सबसे तेज दौड़ने वाला मैमल है चीता। सबसे तेज 120 किलोमीटर की रफ्तार ये पा सकता है। कहाँ रहेगा ये, जंगल में रहना पसंद करेगा या सवाना ग्रासलैंड में, आप बताइए। सवाना ग्रासलैंड में क्यों, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए दौड़ने के लिए, छिपने उपने की जरूरत नहीं, इसको स्पेस चाहिए। और ग्रास वहाँ सवाना ग्रासलैंड में ग्रासेस होती हैं, तो वहाँ छोटे छोटे जो शाकाहारी जंतु हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो ये वहाँ पे ज़्यादा रहता है, यानी हैबिटेट इसका सवाना है, यानी अफ्रीका में ये खूब मिलता है, ठीक है बच्चों। भारत में भी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है बच्चों। इंडिया में चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। भारत में चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। और अफ्रीका में जहाँ ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, ईरान इराक इस सब में भी पाया जाता है, अफ्रीका में इसको वल्नरेबल कैटेगरी मिली हुई है। वल्नरेबल मतलब बहुत संकट की बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी संकटग्रस्त हैं। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था बच्चों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा है, हमें कंजर्वेशन स्ट्रेटजी पे ही बात थी, तो हमें इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अफ्रीका से चीता लाइए और उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ भी चीता की पॉपुलेशन, चूँकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इसके बाद एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड आता है और फिर एक्सटिंक्शन आता है, दैट मीन्स दे आर वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्शन, तो इनका पॉपुलेशन हमें भी बढ़ाना है, तो ब्रिंग दीज चीता, फ्यू चीता फ्रॉम अफ्रीका, और उसे अपने प्रोटेक्टेड जंगलों में छोड़ा जाए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हमने ईरान से चीता मांगा था, ईरान ने हमें मना कर दिया, तो ये कुछ समय के लिए न्यूज़ में था। तो न्यूज़ में तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ईरान ने चीता मना कर दिया, लेकिन IUCN स्टेटस अब इसका UPSC के दिमाग में आ जाएगा, तो वो आपसे पूछेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है। तो भारत में चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है, अफ्रीका में चीता खूब सारे पाए जाते हैं, वहाँ पे वल्नरेबल है बच्चों। तो डू रिमेम्बर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये रहे चीता महाराज, इनकी जय हो। ये सामने जो देख रहे हैं बच्चे, ये है ऑटर, बड़े ही प्यारे होते हैं, मांसाहारी होते हैं और बहुत ही एजाइल होते हैं, खूब जम के शिकार करते हैं, लेकिन इनका जो ये जो कोट है, इसका नाम ही है स्मूथ कोटेड ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर, ठीक है बच्चों। तीन तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक होती है स्मूथ कोटेड ऑटर, दूसरा होता है यूरेशियन ऑटर, और तीसरा होता है बच्चों स्मॉल क्लॉड ऑटर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे आराम आराम से आपके बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें बच्चों स्मूथ कोटेड ऑटर और स्मॉल क्लॉड ऑटर हमारे भारत में मिलते हैं, यूरेशियन ऑटर भी हमें हिमालय के फुटहिल पे मिल जाएगा, हिमालयन फुटहिल। तो पूरी विश्व में जो है इनकी 13 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 13 स्पीसीज
इन द वर्ल्ड, जिनमें से आउट ऑफ दीज 13 तीन जो है भारत में पाई जाती हैं, तीन भारत में पाई जाती हैं। खास बात क्या है बच्चों कि ये जो स्मूथ कोटेड ऑटर है, इसके इस फर का या कोट का जो इसके ऊपर की चमड़ी है बड़ी स्मूथ सी होती है, इससे लेडीज़ पर्स या कुछ इस तरह के सामान खूब बनाए जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनके फर की अच्छी कीमत मिल जाती है, जिसके कारण इनकी पोचिंग, इनका शिकार, इनकी हंटिंग और इनका ट्रेड होता है, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से मारे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनका पोचिंग के साथ साथ हैबिटेट लॉस भी इनका मुख्य जो है कारण है, हैबिटेट लॉस, और इनके अपने आवास नष्ट हो रहे हैं जिसके कारण इनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। स्मूथ कोटेड ऑटर को वल्नरेबल की कैटेगरी में माना गया है, वल्नरेबल। तो याद रखिएगा, आप सब देखते होंगे, आपके आसपास भी ये दिखता होगा, तो ज़रा पहचानिएगा और इसका हिंदी नाम आप लोग बताइएगा, हो सकता है काफ़ी लोग जान भी रहे हैं। ठीक है, तो IUCN कैटेगरी इनका, IUCN का मतलब है जो रेड डाटा बुक में इनका नाम रखा गया IUCN, वो क्या है, तो वो वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी। इसके बाद जो अगला जानवर है बच्चों, वो है एशियाटिक लायन, मैजेस्टिक स्पीसीज एशियाटिक लायन। न्यूज़ में इसलिए था कि अभी गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं ये, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, तो गिर फॉरेस्ट से संबंधित न्यूज़ थी, उसमें इनका नाम आ गया था, तो ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात में इनको रिजर्व किया गया है वहाँ पे, और साथ ही ये अफ्रीकन लायन से थोड़े से छोटे हैं, तो स्मॉलर, स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायन। ठीक है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट गुजरात। IUCN कैटेगरी इनका इनडेंजर्ड है बच्चों, इनडेंजर्ड IUCN कैटेगरी। ठीक है, सो एशियाटिक लायन, इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस गिर फॉरेस्ट, एंड गिर फॉरेस्ट इज द कंजर्वेशन एरिया स्पेसिफिक टू एशियाटिक लायन। तो एशियाटिक लायन को कंजर्वेशन जो है गिर फॉरेस्ट में किया गया है। गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है बच्चों, ये सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, इसका नाम है डुगोंग डुगोंग, इंग्लिश नेम है डुगोंग, इंग्लिश क्या ये जूलॉजिक नेम है डुगोंग डुगोंग। डुगोंग डुगोंग दो बार क्यों है, जैसे दो बार बमन बमन कौन सी मूवी थी, धमाल, ठीक वैसे ही यहाँ दो बार डुगोंग डुगोंग लिखा गया है। ये इसका जीनस है बच्चों, और ये इसकी स्पीसीज है। इसका कॉमन नेम, ये साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम, दो बार बमन नहीं, एक बार बमन, तो आप एक बार डुगोंग भी कह सकते हैं, तो डुगोंग से भी याद रख लीजिएगा। कॉमन नेम इसका है सी काऊ, सी काऊ इसका नाम क्यों पड़ा बच्चों, पहली बात सी काऊ इसलिए पड़ा कि पहली बात ये सी मैमल है, सी के अंदर रहने वाला स्तनधारी है, दूसरी बात स्ट्रिक्टली हर्बीवोर, शाकाहारी है ये, स्ट्रिक्टली हर्बीवोर, सी मैमल है, स्ट्रिक्टली हर्बीवोर है, इसलिए इसे सी काऊ कहते हैं, जैसे हमारी गाय माता होती है। ठीक है, स्ट्रिक्टली हर्बीवोर, और ये ज़्यादातर पाया जाता है कोस्टल, ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर में, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, जो भी समंदर है आपको यहाँ मिलेगा, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे, पैसिफिक में, अटलांटिक में, हर जगह मिलता है। ठीक है, भारत में आप इसको गल्फ ऑफ कच्छ में देख सकते हैं, कहाँ है भाई गल्फ ऑफ कच्छ, फटाफट आपका एटलस खुल जाना चाहिए, जो आज की क्लास है उसको ध्यान रखिएगा, अपना एटलस ले लीजिएगा, मैप ले लीजिएगा, और जो भी
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कुछ भी आ रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक एस्पेक्ट है प्रश्न पूछने का। तो गल्फ ऑफ कच्छ इज़ फेमस फॉर डुगोंग डुगोंग, यहाँ सी काऊ पाए जाते हैं, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में आपको डुगोंग डुगोंग मिलेंगे, सी काऊ मिलेंगे, और इनको जो है मारा जाता है बच्चों इनके फैट के लिए, सी फिश ऑयल के लिए और मीट के लिए इनकी हत्या की जाती है, और बहुत ज़्यादा पोचिंग के कारण इनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है, और IUCN ने भी इनको वल्नरेबल करार दिया है, IUCN वल्नरेबल। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, IUCN कैटेगरी सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ स्पेसिफिकली ये मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। अब मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं आप सभी जानते हैं, तो उसको थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, उसको रेड पेन से मैं भी यहाँ कर दे रहा हूँ ताकि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रहें। सो डुगोंग डुगोंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नेम सी काउ, क्यों सी काउ है, मैमल है, हर्बीवोर है, कहाँ पाया जाता है, भारत में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, IUCN कैटेगरी वल्नरेबल। ये 5-6 चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो बाकी चीज़ें आप जैसे अब ये मछली है तो क्या करेंगे, इसके फैट और मीट की आवश्यकता होगी, फिश ऑयल की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको मारते हैं। सो दिस इज सी काऊ, इसको भी मार देते हैं। सबसे बड़ा इसका थ्रेट है, थ्रेट इसका किलिंग है, फिशिंग है, और साथ ही साथ ऑयल ड्रिलिंग भी है, ऑयल ड्रिलिंग। ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग होती है, और ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म, जो भी समुद्री जल जंतु हैं बच्चों याद रखना, उनमें ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और ऑयल स्पिल बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन है, जिसके कारण इनकी जनसंख्या वैनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अनप्लान टूरिज्म, लोग घूमने जाते हैं, ज़्यादा पैसे हो गए तो लोग घूमने जाते हैं। मेरी आवाज़ आप तक जा रही है कि नहीं, कितने कम लोग आ पाए हो, 3 लोग डिसलाइक भी कर दिए, वाह, लग रहा गुप्ता जी चले गए। एनीवे, डुगोंग डुगोंग, यू आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास ओनली, और पक्का मैं 5 तारीख को पूछूंगा आप सबसे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अटेंड दिस क्लास। नेक्स्ट है बच्चों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नाम है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है, स्टेट बर्ड, सॉरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी, बाकी तो मान लीजिए शुतुरमुर्ग वगैरह बहुत बड़े हैं लेकिन दे कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और स्टेट राजस्थान का स्टेट बर्ड है ये। ठीक है बच्चों, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। गुजरात का भी है क्या, सोनी ने लिखा गुजरात, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं जानकारी है, मुझे राजस्थान की जानकारी है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और IUCN कैटेगरी इसकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट्स गुड। यस, नेक्स्ट वन इज आयरन टेल्ड मकाक, लायन टेल्ड मकाक,
लायन टेल्ड मकाक इसलिए कहते हैं, इसकी जो पूंछ है और इसके जो बाल हैं, इसका चेहरा, अगर इसके चेहरे पे ना जाओ तो ये शेर की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन है नहीं। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे के जंगलों में मिलता है, वहां का ये एंडेमिक है बच्चों, मिलता है यानी वहीं पे इसका इवोल्यूशन हुआ है, ध्यान रखिएगा, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। अब इसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है जहां ये मिलता है, उसके नाम इंपॉर्टेंट है चूंकि ये एग्जाम में था। तो पहला नाम है, याद रखिएगा, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, शिमोगा और उदुपी डिस्ट्रिक्ट दोनों के बीच में है बच्चों, दोनों जिलों में ये पड़ता है, उदुपी और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, जहाँ पे ये खूब सारे दिखाई पड़ते हैं। सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अगला जो जगह है इनका वो है कुद्रेमुख, नेक्स्ट वन इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, याद रखना बच्चों, कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये कर्नाटका में ही है। तीसरा है, ध्यान रखना बच्चों, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क इज इन केरला, पेरियार नेशनल पार्क इज इन केरला, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लायन टेल्ड मकाक हैं जो पश्चिमी घाट के नेटिव हैं, वहीं पाए जाते हैं, और IUCN कैटेगरी इनकी है एंडेंजर्ड, IUCN की कैटेगरी है इनकी एंडेंजर्ड। इनके एंडेंजर्ड होने में इनका जो नेचुरल काज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, नेचुरल कॉज ये है बच्चों, एंडेंजर्ड हैं ये, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का होता है, 3 साल तक मादा जो होती है, मादा के गर्भ में बच्चा विकसित होता है। कहने का मतलब बाय नेचर इनका जो बर्थ रेट है, जन्म दर जो है इनमें, वो अत्यंत कम है। 3 साल का जेस्टेशन पीरियड, मादा के गर्भ में बच्चे का विकास 3 साल तक होता रहे, दैट मीन्स प्यारे बच्चों, उनकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। और ये इसका स्पेसिफिक है, मैंने बोला ना कि हंटिंग वगैरह तो मान लीजिए अलग की बात है, इनको हंटिंग नहीं होती इनकी, ना ही इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है ट्रेड होता है इनका, लेकिन इनका जो नेचुरल काज है, प्राकृतिक रूप से ही इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो बहुत कम होती है आयरन टेल मकाक का। और साथ ही साथ हम हैबिटेट लॉस तो कर ही रहे हैं, हैबिटेट लॉस बायोडाइवर्सिटी को समाप्त करने के लिए नंबर वन यही कॉज है हैबिटेट लॉस, जो कि चल ही रहा है, ठीक है। दे आर नॉट प्रेजेंट इन गिर फॉरेस्ट, सोनी ने लिखा है गिर फॉरेस्ट, नहीं, आयरन टेल लायन टेल्ड मकाक है भैया, बंदर है ये, शेर नहीं है, उसका चेहरा आप लग रहा है देख नहीं पाए, ये गिर फॉरेस्ट वाला नहीं है, ये है गिर फॉरेस्ट वाला, ये था एशियाटिक लायन, कंफ्यूज मत होइए,
ये है रेड पांडा, लेकिन आज का समय हो गया है तो अगली क्लास में हम लोग रेड पांडा से शुरू करेंगे। रेड पांडा जायंट पांडा से बिल्कुल दूर का है, केवल नाम मिलता है इसका। तो अगली क्लास में हम लोग यहीं से आगे की शुरुआत करेंगे।